हेलो जी, राम राम जी और गुड मॉर्निंग जी। तो भैया आज है नया दिन और भैया आज सोच रहे हो गाड़ी में बैठ चुकी है। हाँ जी, तो भैया जा रहे हैं गाड़ी में अपने काम से, घर के रिलेटेड ही दिखाते हैं आपको भी। कर लो जैसे अब को रिटायरमेंट है, पटवान को कचरा ठिकाना थोड़ी ना, क्या क्या दना खिलाने हैं, क्या दना खिलाने हैं। जैसे इतना से रूल ले, तहां से ले ले, तहां से ले ले, फिर ले ला के चले जाए। भाई पहुंच गए हैं और समझ गए होंगे, देख के घर की टाइल्स वगैरह लेने के लिए आए हैं भाई हम लोग। ये भी लगवा तो लोग वाली सी भी है। शंकर गाड़ी बात नहीं हुआ है, शंकर गाड़ी से हां शंकर गाड़ी है। हमारे पास पत्थर है, फोन करता हूं। कैसे हो गया था सर? पहले से क्या है ये क्या है? आ गए हैं भाई घर और टाइल वगैरह जो है हमने ले ली है अपनी, फर्श की भी ले ली, बाथरूमों की भी ले ली, बाथरूम की फ्लोरिंग की भी ले ली, ये चीज़ भी ख़त्म करी। किचन की तो भाई जब किचन बन जाएगा जब आएंगे तो किचन वगैरह की नहीं ली है, और प्लम्बरिंग का सामान पहले आके फाइनल हो चुका है। तो ये एक दो चीज़ें भाई फाइनल होती जा रही है हमारी। तो अब खाऊंगी खाना आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर में। आते आते गए थे 11 बजे के करीब, तो खाना वाना तो खा के नहीं गए थे आज। जब आज भिंडी की सब्जी और आटा वगैरह लगा गई थी, कपड़े वगैरह आज मैंने वॉश नहीं किए, कल वॉश करूँगी जब बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इसलिए जल्दी चली गई थी। तो अब मैं खा रही हूँ भी रोटी, भिंडी की सब्जी, रोटी और साथ में बना ली मैंने चाय। विनोद जी ने तो दही भी खा ली लेकिन उन्होंने चाय भी ले ली थोड़ी सी, क्योंकि कहीं भी बाहर जाओ थोड़ा सी थकान सी हो जाती है। मेरे को ना सर्दी में चाय के साथ रोटी और पराठे खाना बहुत अच्छा लगता है, और सूखी सब्जी है तो मैंने सोचा दही लस्सी नहीं चाय पीते हैं। तो मैं खा लेती हूँ भाई अपना खाना और फिर दिखाऊंगी आपको किचन, ठीक है। और माँ जी ने तो खाना खा लिया था भाई पहले ही, भाई खाना पीना खा लिया और अब है टाइम किचन को क्लीन करने का। भाई तो गैस वो मैंने साफ कर दिया, स्लेट भी साफ कर दिया, और अब मैं धो रही हूँ भाई बर्तन, और विनोद जी कर रहे हैं अपना रेस्ट। यही चलता रहता है भाई घर में, अब क्या करें। भाई मुकू है मोतू, ये ला पूजो, ये रहे वापस से मम्मी। काम खत्म कर लिया है और टाइम हो गया 2:45 बजे का, लेट हो गया थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं भाई, घर का काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो मेरे बिना नहीं हो सकता था, तो क्योंकि ये चीज़ें तो दोनों हस्बैंड वाइफ को चूज़ करके ही लगवानी है भाई, तो वो काम फाइनल हो गया है, तो वो भी टेंशन ख़त्म। अब आने वाले टाइम में जब तक फ्लोरिंग होगी और बाथरूम स्टाइल वगैरह लगेंगे तो मिस्त्री भी अपना काम करते रहेंगे और भाई हम भी फ्री हैं, लेकिन जब कोई नेक्स्ट चीज़ आएगी तो फिर से चॉइस करके ले आएंगे, तो घर का तो काम इसी तरह से होगा भाई। और भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, पहले आराम से बैठ जाती हूँ फिर बताती हूँ। भाई कुछ लोग तो मेरे रेगुलर ही ब्लॉग देखते हैं, कुछ लोग शायद से स्किप करके देखते हैं, कुछ लोग किस तरह से जिनका उनका मन करता है उसी तरह से लोग देखते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है, तब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, या भाई पहले मेरा जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट तो मेरा पहले भी था, लेकिन वो था कि मैंने यूज़ नहीं करती थी कभी, मैंने अपनी फ़ोटो तक भी उस पर नहीं लगाई, कभी नहीं लगाई। कितने साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए, जब से ये इंस्टाग्राम वगैरह स्टार्ट हुआ है तभी से यूज़ कर रही हूँ मैं। फेसबुक मैं कम यूज़ करती हूँ, इतना नहीं यूज़ करती मैं तो, लेकिन कभी मैंने बताया कि मैंने पिक भी नहीं लगाई। लेकिन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उसके बाद मैंने उसको भी सोशल अकाउंट अपना कर दिया, मतलब जिसको बोलते हैं कि पब्लिक अकाउंट जो होता है वैसे कर दिया, जैसे यूट्यूब है। पता है लोग चिढ़ने लगे हैं मुझसे, क्यों? मैंने आज तक भी जिन कपड़ों में मैं होती हूँ घर पे, जैसे भी मैं काम करती हूँ, कभी भी मैंने रेडी होके वीडियो नहीं बनाई अपनी, कभी भी। जैसे मैं नॉर्मल घर पे रहती हूँ, जैसा मेरा शॉल है, जैसा मेरा सूट है, जैसे मेरे टी शर्ट पजामे, उन्हीं में मैं वीडियोज़ बना लेती हूँ, उन्हीं पर मैं इंस्टाग्राम पर डाल देती हूँ, उन्हीं में मैं यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स डाल देती हूँ उन्हीं चीज़ों को, लेकिन फिर भी लोग चिढ़ने लगे हैं, क्यों? क्या नहीं कर सकते भाई हम ये सब? और मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है,
क्योंकि एक अपने नेचर होता है, एक अपनी लिमिट होती है, किस तरह से क्या दिखाना है, क्या आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, क्या आप नहीं डाल सकते हो, वो मुझे अच्छे से पता है भाई। तो मैं उसी तरह से, और जिस तरह से अब बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ भाई, पहले बच्चे छोटे थे जब, तो देखो हुए ही नहीं इस तरह से, कभी भी नहीं हुए। शादी के 6-7 साल तक तो हम कहीं घूमने भी नहीं गए थे भाई। बेटा मेरा बड़ा भी हो गया था, हम शादी हुई 7 साल बाद फर्स्ट टाइम घूमने गए थे मनाली, पहली बार 7 साल में। उसके बाद फिर मुक्कू हुई, फिर एक ही बार गए, फिर नहीं गए, फिर मुक्कू मतलब 2-3 साल की हो गई, फिर घूमने जाना स्टार्ट किया, और अब 4-5 साल से कंटिन्यू होता है कि हम साल में 2 बार चले जाते हैं, साल में 1 बार भी चले जाते हैं, लेकिन हम घूमने जाते हैं। उससे पहले हम कभी नहीं गए, घर में ही रहे। रही बात जींस टॉप्स वगैरह पहनने की, तो ये है कि बताया जब से 4-5 साल से घूमने जाए हैं, बच्चों से थोड़ा फ्री हुई हूँ, बच्चे बड़े हो गए हैं, समझने लगे हैं, मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो गई हूँ कि बच्चे अब गोदी में नहीं लेने, इस तरह से नहीं लेने, तो भाई अपनी पसंद से कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया। और जींस टॉप वगैरह ये नहीं कि मैं अभी पहनती हूँ, मैं 4-5 साल से कंटिन्यू पहन रही हूँ, उससे पहले हमेशा सूट ही पहने हैं। तो ये नहीं है कि मैंने वीडियोज़ पर दिखाने के लिए वो सब पहना है, नहीं भाई, मैं पहनती हूँ और जिस हिसाब से पहनती हूँ, मतलब एक अपनी, ये नहीं कि मैंने शॉर्ट्स निकर ही पहन के डाल लिया, नहीं भाई, अपना जो प्रॉपर वो है उसी तरह से पहनने हैं कपड़े। अपनी एज भी देखनी है, अपने बच्चे भी देखने हैं, हर चीज़ देख के ही आप कपड़े पहनते हो, अपने चूज़ करते हो अपनी एज के अकॉर्डिंगली, मैं तो यही बोलूँगी भाई। तो लेकिन लोग कटने लगे, चिढ़ने लगे हैं, क्यों पता नहीं। बना लो भाई, तुम्हारे पास भी फ़ोन है, फ़ोन उठाओ और बनाओ वीडियोज़, किसने मना किया है, कोई नहीं मना करेगा। भी मैं घर पे बैठी रहती थी, विनोद जी को पसंद था, इन्होंने बोला स्टार्टिंग मेरे बच्चों ने की, उसके बाद बच्चों ने नहीं बनाया, भाई रिकी को नहीं इंटरेस्ट आया वीडियोस बनाने में, नहीं बनाई। मैंने उस वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, और मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं उस टाइम पे स्टार्ट करती तो आज अच्छे खासे मेरे भी सब्सक्राइबर और सब होता, लेकिन नहीं किया मैंने भी उस टाइम पे, अब कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही सब कह रहे थे भाई, मेरे कई दिन से दिमाग में खटक रहा था कि लोग पता नहीं क्यों चिढ़ने लगे हैं, बात करना कई लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है भाई, जैसे जिसकी सोच उस तरह से उसको इस्तेमाल करो, पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है भाई, सच बताती हूँ। ना मैं प्रॉपर तैयार होकर वीडियो बनाती, ना आगे बढ़ाऊँगी, जैसे बैठी हूँ उसी तरह से वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं आऊँ जाऊँगी, जहाँ शादी वादी में जाऊँगी, रेडी होंगी तो उस तरह से भी बनाऊँगी भाई। तो लेकिन मैंने बता दिया, जिस तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ में रहते हैं उसी तरह से वीडियोस बनाएंगे, कहीं बाहर आ जाएंगे तो वो भी वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं भाई, दिल में था आप लोगों के साथ शेयर किया, और यही अच्छा लगता है कि अब कुछ बात आपके दिल में होती है तो आप शेयर कर सकते हो, और अब मैं खुश भी बहुत रहती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए बहुत है। कम से कम आज मेरा परिवार 1300-1400 का तो हो ही गया है भाई, इतने लोग तो मुझे जानते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी है भाई कि कुछ लोग तो पहचानते हैं कि हाँ नीतू भी है ना भाई। अपनी छत पे आज भाई, अपने घर के काम है, घर ही घर देख रहे हैं, और भी घर जाके बनाऊंगी खाना, कढ़ी चावल बनाऊंगी। और भाई आपको ऊपर अपनी एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने अपनी पसंद से बनवाई है, ऊपर वाला रूम भी नहीं दिखाया वैसे मैंने आप लोगों को, वो भी दिखाती हूँ। देखो अंधेरा होगा भाई, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ये वॉशरूम में टाइल्स लग चुकी हैं, और यहाँ पे हमने इंडियन टॉयलेट का सिस्टम करवाया, इंडियन टॉयलेट लगवाएंगे हम यहाँ पे, वेस्टर्न नहीं। और ये होगा हमारा ऊपर सेपरेट रूम, यानी हमारे 2 रूम हो जाएंगे, एक हमारा नीचे और एक हमारा ऊपर। ये अलमारी बनवा रही हूँ भाई, ये विंडो होगी और ये छोटा सा रूम हो गया, मतलब बाहर निकले अपनी छत हो गई ये पूरी बड़ी। छत तो कई बार देख ली आप, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देखो भाई, ये देखो, ये मैंने अपनी लिफ्ट का उसका कैसे यूज़ किया, ये तो जीने की वो हो गई, ये जीने की एंट्रेंस होगी। और ये देखो, ये मैंने अपने यहाँ पे ओपन किचन रेडी करवा ली है, देख लो। मैं गर्मियों में और सर्दियों में खाना ऊपर छत पे बैठ के खिलाया करूँगी विनोद जी को। और ये रहा हमारा पूजो भाई, बहुत खुश होता है इस छत पे आके, भागता है इधर उधर, खूब भागता है, खूब खेलता है, देखो इसकी मौज हो गई है। रिकी लेके आ इसको इधर, और ये कबूतरों के पीछे भागता है भाई बहुत ज्यादा, देखो ये रहा। पूजी आओ, पकड़ो 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 पकड़ो, ये देखो। और ये घर पे रहते रह के इसलिए मोटा हो गया है ज्यादा यहाँ, लेकिन इसका वेट सही हो जाएगा। ये मेरी मुक्कू,
हाँ ये देख लो भाई मम्मी। हाँ मेरा टॉफी का पैकेट ले आना। और ये पूजा फिर से भागा। देख लीजिएगा पकौड़ियाँ उतर रही हैं कढ़ी के लिए। मैं बना रही हूँ कढ़ी, ये उतार ली थोड़ी सी और ये और हैं बस। और ये मेरा बेसन बेसन घोल गाल के रख लिया, उससे पहले कढ़ाई से निकाल लूँ। वही खाना बन गया है लगभग, आटा भी लगा दिया है, कढ़ी बन चुकी है और इसमें बना दिए चावल, क्योंकि हमें फिर कढ़ी के साथ चावल ही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। और दूध गर्म, ये बकेट भर रही। लेट हो गई थी, 6 बजे लगी थी और 7 बजे तक सारा काम कम्प्लीट कर दिया है भाई। ठीक है, खाना पीना खा चुके हैं, किचन क्लीन कर चुके हैं। ये चावल बच गए, इनको निकाल दिया डोंगे में। और ये मेरी कढ़ी बच गई, इसको भी रख दिया है। तो काम सारा निमट गया भाई, तो काम सारा हो गया। और अब है टाइम भाई पार्क जाने का, तो अब मैं जाऊंगी घूमने है भाई। और आप लोगों को तो साथ लेके जाती हूँ वहाँ पे भैया। आप पहुँचे हैं माँ बेटी खाना दाना खा के पार्क में वॉक शॉक करने के लिए। तो भाई अलग स्पेशल व्लॉग आएगा। हाँ बनेगा, फिर आएगा कब? हाँ आ जाएगा भाई। तो चलिए भाई अब करते हैं अपनी वॉक शॉक कंप्लीट। और एडी में बता नहीं क्यों दर्द हो रहा है भाई, पैर से लड़खड़ा के चला जा रहा है। हाँ अपन गाने गा के सुन। हाँ सुना ले। बताओ कौन सा? कोई भी सुना दे। बताओ ना कौन सा? तो डाकू ही सुना दे, तेरा फेवरेट तो डाकू ही है। नहीं मैं ब्राउन मुंडे सुनाऊंगा आज। हाँ ब्राउन मुंडे सुना दे, जल्दी सुना दे। देसी जगी डा ड्राइव जगी डा सरका जहाँ दे सीकरा दे वज दे ब्राउन मुंडे ओ ओ ओ ब्राउन मुंडे देसी जगी डा ड्राइव जगी डा सुन लो भाई मेरे बेटे के गाने ब्राउन मुंडे ओ ओ ओ ब्राउन मुंडे थैंक यू। भाई टाइम हो गया 11 बजे का। और पार्क से आने के बाद भाई दूध वगैरह का जो डेली हमारा काम रहता है वही रहता है, बच्चों को दूध वगैरह देना, कपड़े चेंज करना, हाथ मुंह धोना, तो सब कुछ हो चुका है। और मुक्कू इधर कर रही है अपनी स्टडी और वो उधर गई अपने कुछ कपड़े वगैरह कुछ लेने के लिए गई है, सुबह मॉर्निंग में पहन के जाएगी जो। तो भैया आज मैंने पूरी कोशिश की है कि जहाँ पे भी मैं गई हूँ वहाँ पे आप लोगों को साथ लेके गई हूँ, आप लोगों को दिखाया भी है क्या किया क्या नहीं, और ये भी बताया कि यहाँ पे हम टाइल्स वगैरह ले आए हैं, लेकिन दिखाऊंगी तभी तब लग जाएंगी अच्छे से, क्योंकि अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा भाई, अभी तो पेटियों में ही पैक है सब कुछ। हाँ लेकिन फाइनल जो है वो कर ली थी हमने और घर आ चुके हैं भाई। तो यही था। और बार बार मैं अपने घर का इसलिए दिखाती हूँ भाई मैं उधर जब भी जाती हूँ, क्योंकि भाई वो मुझे अपनी यादों में सेव करना है, ताकि जब मैं हम बुड्ढे हो जाएंगे अच्छे से मियाँ भी, तो आराम से बैठ कर देखेंगे कि भाई देखो हमने इस तरह से अपना घर बनाया था। तो वो भाई मैं अपनी मेमोरी भी सेव कर रही हूँ भाई, इसलिए मैं हर बार जब भी जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने घर को रिकॉर्ड कर लूँ कि कैसे कैसे फाइनल उस पर आया था ये। तो यही था भाई। तो आज का दिन बहुत अच्छा भी था, थोड़ा थकावट वाला भी था। और कल देखते हैं भाई कल क्या करेंगे, कल वैसे कोई ऐसा कोई काम है नहीं, क्योंकि दोनों बच्चों का सुबह तो भाई पेपर है, रखिए तो कल 10:30 बजे ही आ जाएगा, उसका आईटी का पेपर है। और मुकू वही 2:30 बजे आएगी भाई, क्योंकि मुकू की छुट्टी पेपर होने के बाद नहीं होती है। और मैं देखूंगी अब भाई अपना फ़ोन, और मुकू कर रही है अपनी रिविज़न, उसको रखी के पास सेंड करनी है करने के बाद, तो वो चेक करेगा इसकी स्पेलिंग वगैरह, क्योंकि इसका है इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो चलिए भाई अब करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड, और मिलूंगी फिर से आपसे अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यार, प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड राम राम जी।